हाँ जी, कटी नहीं हाँ फोन कट गया था, पता नहीं कैसे कट गया। फिर आप भोपाल कितने लोग गए थे भाई साहब? था। अब हम गए थे 6-7 लोग गए थे भाई साहब। अच्छा, 5 दिन की पूरी ट्रेनिंग में रहे आप लोग, हाँ सब कुछ सीखा? सब कुछ सीखा। अच्छा, फिर उसको हमने वहां से भोपाल से ही मतलब जैसे मैं गेहूं की खेती मुख्य रूप से गेहूं की खेती करता हूँ मैं ज्यादा, क्योंकि अच्छा, तो मेरे गेहूं की काफी डिमांड है। मैं बंसी गेहूं करता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने कहा अब पहले वाली जो तकनीक से मैं गेहूं करता था तो मेरे 6 क्विंटल गेहूं का उत्पादन आ रहा था। अच्छा। कितने वर्षों से भाई साहब है? मैं 2020 से कर रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, 2020-21, 2 साल तक आपके 6 क्विंटल का एवरेज रहा जैविक में। हाँ जैविक में, अच्छा जी, फिर 22 में आपने हमारे साथ टीसीबीटी के साथ किया। हाँ 22 में आपके साथ किया, जो 2023 में मतलब वहां से मैंने 200 कट्टे तो गोवर्धन खनिज खाद मंगाया, तो अच्छा जी, उन्होंने बताया था कि भाई 1 एकड़ में आपको 1 कट्टा डालना है। हाँ जी, हाँ जी, तो सर्वप्रथम तो आते ही हमने वो ऊर्जा जल बनाया, जी, अग्निहोत्र चालू किया, ऊर्जा जल बनाया, ऊर्जा जल चलाया, गोवर्धन खाद खनिज खाद डाला। हाँ जी, 200 200 कट्टे गोवर्धन खनिज खाद मंगाया था मैंने, हाँ जी, हाँ जी, 200 कट्टे। 200 कट्टे। अच्छा, और वो नैनो नत्रजन, OKP, और वो कैप्सूल कल्चर तो मैं वहां से ले आया था, 3,500 रुपये का पैकेट था वो किट, कोटपुतली अच्छा, वो से। कोटपुतले से ले लिया था। ठीक बात है, वो तो पहले ही चालू कर दिया था आपने, है ना। हाँ वहां से भाई 10 अक्टूबर को वहां से आए, तो वो कैप्सूल कल्चर तो ले आए, तो मैंने इसको तो बना के अपन, मैंने कहा ये भी बनेगा 8 10 दिन में, तो हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा जब तक अपन ट्रेनिंग में होके आएंगे तो मैंने कहा ये 2 राउंड घूम जाएगा, हाँ जी, तो वो बना आते ही तुरंत उसको बनाया, फिर ट्रेनिंग में चले गए। फिर जी, वहां से आते ही इनके सारे टीसी बूटी के आपके जो फार्मूले थे वो सब लगाए हमने। हाँ जी, सबसे पहले तो मैंने ऊर्जा जल चलाया, जी गोवर्धन खनिज खाद फेंका, फिर बुआई बुआई से पहले मतलब जैसे सूखे खेत में ऊर्जा अच्छा, जल जलाया, फिर उसके बाद पानी चलाया ऊर्जा जल, हाँ और जी, अणु जल चलाया, वो अणु जल और जीवाणु जल, फिर अच्छा जी, वो भस्म रसायन का पैकेट मंगाया, वो मिट्टी वाला हाँ जी, आता ना वो भस्म रसायन हाँ क्या बोलते हाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो वो पैकेट मंगाया, उसमें मिट्टियां विट्टियां पता नहीं जाने क्या क्या ऐसे आइटम आए उसमें। अच्छा, फिर उसको नमक वमक डाल डोल के और मटके में खड्डा खोद के गाड़ के उसको जला के वो भस्म रसायन बनाया, अच्छा जी, उसका अणु जल बनाया, जीवाणु जल बनाया। फिर बिल्कुल बिल्कुल, वो खेत तैयार हो गया तो बुआई से पहले फिर 1 कट्टा गोवर्धन खाद खनिज खाद फिर डाला। जी, उसके बाद जैसे 20 25 दिन के बाद मतलब हमने फिर गेहूं में पहला पानी दिया, हाँ जी, तो पहले पानी के पहले फिर 1 कट्टा गोवर्धन खनिज खाद फेंका। अच्छा जी, फिर 14 जनवरी को आप लोग गुरुजी, आप सब लेखराम जी, आप यहाँ मेरे फार्म पे आए ही थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके फर्म का एक दिन दिन का प्रोग्राम था। 1 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ मेरे फार्म पे भी रखा था गुरुजी का, बिल्कुल बिल्कुल साहब, तो गुरुजी तो आए और आते हो तो सीधे मंच पे चले गए, उन्होंने तो गेहूं की तरफ भी नहीं देखा भाई कैसी फसल है, क्या कमी है क्या नहीं है। हाँ देखना चाहिए था ना उनको, भाई बिल्कुल बिल्कुल, देखना चाहिए था। आदमी अपना कोई शिष्य है और अपनी बात मान कर अपना काम कर रहा है, तो हाँ, 2 लाख रुपए का आपने कितना सामान खरीदा था आपने? हाँ, भाई साहब लगभग 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख का सामान खरीदा, उस ग्राहक का खेत भी नहीं देखा, खेत में जाके खेत नहीं देखा। हाँ खेत में आने के बाद भी मतलब उनको ये चाहिए था कि वो मेरी गेहूं की फसल को देखते और मुझे बताते कि हाँ भाई नागर साहब आपके इस खेत में ये कमी है, इसमें ये चीज और डालो, या इसमें ये कमी है वो कमी है। हम देखो हम तो नए नए किसान हैं, सही बात है, हम क्या जाने। हाँ नहीं जानते तो देखो आप पूरा ही हो, क्योंकि आपने जब 5 दिन की ट्रेनिंग ले ली ना, तो आपको कोई ये तो कह नहीं सकता कि कोई एप्लीकेशन में आपके यहाँ मिस्टेक रही है। अरे वो तो ठीक है भाई साहब, हमने तो जैसे ट्रेनिंग के हिसाब से तो हमने पूरी दम लगाई, हाँ, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल, कहा कि भाई बीज को सूरपाल और मई राजा मिलाकर उसको बुआई करो, हाँ जी, बीज की पूजन करो,
कैलेंडर में देख के नक्षत्र देखो, नक्षत्र में बिजाई करो। हाँ जी तो बीज का पूजन किया, धरती माता से प्रार्थना करी, बीज से प्रार्थना करी, मतलब जी हमने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जो भाई बाकी रह जाए। सही बात है। हाँ भाई कल से अपनी कोई कमी क्यों रहे यार, सामने हाँ वाला कह देगा यार तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। तो सही बात है। मैंने कहा अपन तो जैसे गुरु जी ने बताया वैसी पूरी चीजें करो, अच्छा तो पूरी चीजें करी। अच्छा फिर मैंने फिर लेखराम जी को फोन किया बीच में एक बार। अच्छा जी मैंने कहा ये गेहूं मैंने कहा थोड़ा ग्रोथ पे कम आ रहा है, तो हाँ जी उन्होंने कहा कि यार वो नैनो मई राजा मंगा के और उसमें मतलब आपके पास जो खाद होगा ना उस खाद में मिला के नैनो मई राजा। तो फिर मैंने नैनो मई राजा मंगाया भाई साहब। अच्छा जी बीच फसल में ही। हाँ हाँ जी नैनो मई राजा मंगा के फिर वो खाद में मिला के नैनो मई राजा फेंका, अच्छा जी फिर भी मतलब उसमें जो पेड़ बनता है ना गेहूं का जिसमें उसमें वो चलती है फुटान, हाँ जी हाँ जी वो फुटान ही नहीं हुई उसमें। अच्छा जी अब नहीं हुई तो फिर मैंने कहा अब ये क्या चक्कर है क्या नहीं है, ऊर्जा जल का स्प्रे किया फिर जी भी कोई मतलब नहीं निकला। और वो गेहूं भाई साहब यू मान लो पूरे 4 क्विंटल भी नहीं निकले मेरे। अच्छा। और मतलब रेगुलर आप जे भी कर रहे थे आपके 6 क्विंटल निकल रहे थे, हाँ और यहाँ पे टीसीबीटी की पूरी ट्रेनिंग लेके और फिर पूरा प्रैक्टिस इनके बताए अनुसार करने के बाद आपका 4 क्विंटल से कम आया उत्पादन, मतलब उत्पादन बढ़ने की जगह मेरा उत्पादन घट गया, वो बढ़ने की जगह घट गया मतलब जबकि लागत 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 बढ़ गई। पहले बल्कि। मेरा एक तरह से मैं मार्केट से तो कुछ ले ही नहीं रहा था, हाँ जी मार्केट से तो केवल गुड़ ले रहा था मैं भाई। हाँ वेस्ट डिकम्पोजर में गुड़ डलता है, बिल्कुल बिल्कुल जीवामृत घन जीवामृत में गुड़ डलता है, हाँ जी हाँ जी बाकी मैं अपन किसान है तो आटा बेसन तो अपना घर का हो ही जाता है, हो ही जाता है गाय मेरे पास है तो उनका गोबर हो जाता है, सही बात है गौमूत्र हो जाता है, सही बात है। और तो कुछ डालते ही नहीं, गौमूत्र गोबर से ही किए कर रहा था मैं तो खेती। तो पहले आपका जैसे इस बार गेहूं में आपने 2 लाख रुपए का सामान लगाया, इनके बिना गेहूं में आपका क्या खर्चा आ रहा था उतनी एरिया की फसल में? कितना एरिया था ये गेहूं का आपका? 8 एकड़। 8 एकड़ है, तो इस 8 एकड़ में जनरली आपके क्या खर्चा आता था जैविक में? जैसे एक फसल का अपन माने तो मोटा आइडिया। भाई साहब यू मानो 10 से 15 हजार रुपए का गुड़ आता था और कुछ भी नहीं आता था। अच्छा 10-15 हजार का अपना गुड़ लगाते थे बस, बाकी भाई सारी मेहनत तो वहीं हो जाती थी अपनी ही बस। गोमूत्र गोबर तो अपना खुद का ही था है ना, सही बात है और वो वेस्ट डिकम्पोजर का जो कल्चर मंगाया था जो, वो तो एक बार 50 रुपए की सीसी आएगी तो मल्टीप्लाई होता रहता था उससे, सही बात है। तो वेस्ट डिकम्पोजर को चलाते थे पानी के साथ, तो 10-15 हजार की जगह आपने 2 लाख रुपए खर्च किए, इसलिए किया ना भाई साहब। मैंने कहा अपन को भी 10 क्विंटल 12 क्विंटल गेहूं निकालना सही बात है। वो तो खैर उम्मीद भी भाई। करता है आदमी, फिर उत्पादन रह गया आपका 6 क्विंटल की बजाय 4 से भी कम, 4 से भी कम। 3.5-4, कितना अंदाजन रहा? हाँ 3.5 मान लो आप। अच्छा 3.5 है। अब 3.5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन 6 क्विंटल की जगह रह रहा है। रासायनिक आप पहले करते भी नहीं थे, आप इसमें पहले जे भी कर रहे थे ना 2 साल से? मतलब मैंने इसमें 2019 में शुरुआत कर दी थी। अच्छा, हाँ तो 3 साल हो गए आपको इनसे हाँ पहले। मतलब दिसंबर 6 दिसंबर 2019 को मैंने इसमें जैविक खेती करने के लिए भूमि पूजन कर दिया था, अच्छा, 6 दिसंबर 2019 को। जी। तब से इसमें कोई, उससे पहले भी किया था कि इसमें वो मैं बाग बगीचा था तो वो हटा दिया था, तो उसके पहले भी इसमें रसायन तो मैं डाल ही नहीं रहा था। अच्छा क्योंकि इसमें क्या आंवले के पेड़ थे तो आंवला बिक ही नहीं रहा था, तो अच्छा जी आंवला हटा दिया फिर मैंने। तो अच्छा तो इसमें अब केमिकल का कोई ज्यादा था भी नहीं, मतलब पहले आंवलों में भी नहीं देता था मैं हाँ केमिकल को। सही बात है। अब एक चीज बताओ साहब, नागर साहब, आपका जैसे मान लो उत्पादन कम हुआ उसके बाद आपने जैसे टीसीबीटी में संपर्क करने का इनसे हुई कोई बातचीत आपकी, या कुछ गुरुजी से या लेखराम जी से कुछ टेक्निकली चर्चा हुई क्या आपकी? नहीं भाई साहब क्या था फिर उसके बाद मेरे बिटिया की शादी थी हाँ मतलब बिल्कुल जनवरी में, बिल्कुल हाँ जी हाँ जी तो फिर मैं मतलब 15-20 दिन शादी में व्यस्त हो गया, हाँ जी क्योंकि हाँ कार्ड बांटना सारी व्यवस्थाएं करनी वगैरह। जी जी
फिर जब मैं आके शादी से फ्री होके जब फरवरी में आके मैंने खेत संभाला, हाँ जी 9-10 फरवरी के आसपास, हमारे 8 फरवरी 9 फरवरी के हमारे परिवार में कजन की भी एक शादी थी, जी हमारे जी परिवार में 2 बच्चों की शादी थी। जी तो बेसल डोज डलवा दिया, पहले पानी में सारा आइटम डलवा दिया, फिर वो लेखराम जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि यार नैनो नत्रजन और वो OKP और मंगाओ आप। हाँ जी तो फिर लेखराम जी ने कहा, तो फिर मैंने 5-5 लीटर OKP नैनो नत्रजन वो दोनों फिर मंगाए, अच्छा जी उसका फिर स्प्रे कराया। हाँ जी उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ तो फिर किसी से क्या बात करता भाई साहब। हाँ बात तो सही है। मैंने लेखराम जी को भी नहीं किया फिर फोन। फिर हाँ हाँ सही बात है। लेखराम जी को फिर मैंने बताया भी था, मैंने कहा ऐसे ऐसे, लेखराम जी ने कहा कि यार वो आपने पहले बेसन बेसन के गोल ज्यादा डाले होंगे तो इस वजह से। मैंने कहा भाई हो सकता है यार, बेसन वेसन के गोल वोल तो डाले नहीं मैंने कहा हमने। तो कुल मिला के फिर गुरुजी से वही एक इन दिनों कोई कुछ बात हुई गुरुजी से या कुछ आपकी कोई? वो क्या हुआ कि दिन वो उस पे लिख दिया मैंने, जो अपने बम्बोरी में प्रोग्राम हुआ था तो उस टाइम का यहाँ एक ग्रुप बना हुआ था, हाँ जी हाँ जी तो उसमें वो अपने अजय जी राजपूत हैं उनसे मेरी चैटिंग कर रहा था मैं, तो हाँ जी हाँ जी उन्होंने तो उनको बता रहा था मैं अजय जी को कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को रिजल्ट नहीं मिले। मैंने सीरियल वाइज पूरी चीजें लिखी लिखी उसमें कि अच्छा जी भाई शुरू से मैंने ये चीजें डाली, उसके बाद आज भी मेरे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरा रिजल्ट सुनने मानूंगा मैंने कहा, मैं तो हाँ जी परिणाम सुनने। तो हाँ जी उस चैटिंग के फिर दूसरे दिन फिर गुरु जी का फोन आया था सुबह सुबह मेरे को, 8 बजे 8 बज रहे होंगे, 8:30 बज रहे होंगे। अच्छा। तो गुरु जी ने कहा कि भाई क्या हो गया, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। मैंने कहा साहब गुरु जी सब चीजें मैंने कहा जैसे आपने ट्रेनिंग में बताया हाँ जी वैसे सारी चीजें डाली मैंने, हाँ जी करने कुछ न कुछ तो कमी रही होगी। अच्छा अब मैंने कहा कुछ न कुछ कमी रही होगी तो गुरु जी आप भी खेत पे आए थे, मैंने कहा आपका भी एक दिवसीय ट्रेनिंग था, मैंने कहा मैंने 200 किसानों को इकट्ठा किया, मैंने कहा आनंद फानंद में जैसे ही मेरे पास फोन आया बिल्कुल रामेश्वर जी का और लेखराम जी का कि भाई गुरु जी आपके 12 से निकल रहे हैं तो आप प्रोग्राम करवा लो एक किसानों का हाँ जी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हमने खूब दौड़ भाग करके वो एक दिवसीय प्रोग्राम रखा, 200 आदमियों की मीटिंग कराई, आप भी आए थे, आपने बिल्कुल बिल्कुल साहब भी देखा यार, आपने भी मेरे को यही कहा कि नहीं यार नागर साहब आपकी मीटिंग बहुत जोरदार रही, बहुत जोरदार खूब मेहनत करी थी साहब आपने। है ना। तो मैंने कहा गुरु जी जब आप खेत पे आए थे तो मैंने कहा कमी तो आप ही बताते ना उस टाइम गेहूं देख के सही बात है हाँ यार, बिना गेहूं नहीं देखे क्या। मैंने कहा आप याद कर लो आपने देखे कि नहीं देखे हाँ आपने, तो मैंने कहा आए गाड़ी से हाँ उतरे गेट हाँ पे आपका स्वागत सत्कार हुआ और उसके बाद आप सीधे मंच पे जाके बैठ गए, हाँ और जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ आप मंच से उतरे और गाड़ी में जाके बैठ गए, बिल्कुल आपने तो खेत में कदम ही नहीं रखा मेरे, कि हाँ भाई कैसी फसल है क्या कमी है। मैंने कहा सही बात है कारण तो आप ही बताते उस टाइम जो भी बताना था सही बात है बिल्कुल भाई, जब हम आपके हिसाब से काम कर रहे हैं तो आपका ही मार्गदर्शन होना चाहिए ना। पूरा ही होना नहीं भाई होना ही चाहिए साहब जरूर जरूरी है। जब गुरु जी खेत पे आ गए तो गुरु जी को बताना चाहिए कि जी भाई इसमें नागर साहब ये कमी है, जी ये काम और करो आप। जबकि भाई साहब मैं यही खेत पे अग्निहोत्र करता हूँ सुबह शाम। अच्छा। तो हाँ अब नागर साहब मेरे को एक चीज बताओ, आप अब तक का जो आपका अनुभव रहा इनके साथ में, TCBT के साथ में, गुरुजी से बात, लेखराम जी से और भी बात हुई, तो इनके हिसाब से जो टोटल आपका अनुभव है ओवरऑल, उसके हिसाब से क्या आप इन लोगों को, क्या मतलब इनकी मानसिकता है, ये क्या मतलब बेचते हैं, इनका व्यापार किस तरह का, किस लेवल का व्यापार है, या क्या है इनकी मतलब पूरी एक, आप जैसे आदमी को कोई दूसरा अगर आपकी बात को सुने तो वो ये समझे कि भाई ये किस तरह के आदमी है, आपकी भाषा में क्या आप इनको कहना चाहोगे आपके अनुभव के आधार पे? अब मैं तो जो भी किसान भाई इस बात को अगर सुनेंगे तो जी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपने गाय और गोमूत्र पे ही काम करें, जी और जैविक के नाम पे जो भी लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सब किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये अनुभव है मेरा तो। सही बात है साहब और ये गुरु जी का काम कम कर रहे हैं तो व्यापारी का काम ज्यादा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आपका कहना यहाँ भी सही है। बाकी भाई गुरु जी हैं तो फिर गुरु जी को तो देखो समर्पित भाव से, जैसे
जब आप प्रकृति की रक्षा के लिए आए हो, धरती को बचाने के लिए आपने बीड़ा उठा रखा है, हाँ जी जीव मात्र के लिए आपने बीड़ा उठा रखा है, जी तो आपका पहला ध्यान तो उसी पे होना चाहिए ना कि भाई प्रकृति से जो चीज मिल रही है वही खेती में सबसे कारगर है। सही बात है। भाई मेरा ये मानना है भाई साहब, हाँ जैसे जी अपने खेत में अभी सोयाबीन है हाँ जी या गेहूं है, धान है, हाँ चावल है, तो ईश्वर ने मनुष्य को जो उसमें बीज डालता है ना, जी उसको सिर्फ बीज लेने का ही अधिकार है, सही बात है। बाकी उसका जितना भी रॉ मटेरियल निकलता है, भूसा निकलता है, जो भी निकलता है, जी या तो उसको जानवर खाए सही बात है। उसका अधिकार है, हाँ, या उसको ही वापस आप अपने खेत में मिला दो। बिल्कुल बिल्कुल। जानवर खाएगा तो भी वो खेत में जाएगा, उनका गोबर के थ्रू खेत में चला जाएगा। जानवर खाएगा तो वो मल के रूप में, गोबर के रूप में वापस खेत में आएगा। सही बात है। हाँ यदि वो चेन टूटती जी है तो फर्स्ट चेन तो यही है कि जो आपका फसल वेस्ट जितना भी निकला सही बात है उसको आपको जमीन में मिलाना सही बात है है, उससे बढ़िया दुनिया की कोई बेहतर खाद नहीं, सही सही है एकदम उससे बेहतर कोई दुनिया का कोई जैविक प्रोडक्ट नहीं, सही बात है साहब। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। हाँ नहीं बिल्कुल अनुभव लिया ही है आपने, इतने समय से खेती कर रहे हो। हाँ अच्छा भाई साहब, एक आप पूछते नहीं किसान हो क्या, आपका थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे। थोड़ा कब से आप खेती कर रहे हो, ये जमीन पूछते नहीं है या आपने खरीदी है, क्या है, थोड़ा सा जानकारी बताएंगे साहब आप। ये जमीन तो मेरी पैतृक जमीन है भाई साहब, पूर्वजों से ही मिली हुई है मुझे तो। हाँ अच्छा, तो आपके पिताजी दादाजी भी खेती करते थे क्या। हम मूल रूप से किसान जाति है हमारी, जो राजस्थान में हाड़ौती अंचल में दाकड़ जाति के नाम से जानी जाती है, हाँ जी हाँ जी और दाकड़ जाति का मूल इतिहास ही खेती है, कृषि है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है साहब। तो हम मूलतः ही पैदाइशी किसान है हम। अच्छा, ओके। और आपका तो आड़त का व्यापार भी तो है, मंडी में काम भी करते हैं ना आप। हाँ मंडी में, कोटा में और बारा में भी हम आड़त का, अनाज का, जब खेती का किसानी का काम है तो वहाँ अनाज का भी काम करते हैं हम, कोटा मंडी अच्छा में और बारा मंडी में। हाँ अच्छा कोटा बारा दोनों जगह करते हैं। अच्छा जी, तो अनाज के व्यापारी, अनाज खेत में किसान है, और फिर हम नुकसान हो गया आपको। हाँ नुकसान हो गया भाई साहब। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि जो लोग मेरे से, जैसे 6 क्विंटल उत्पादन निकलता था, जी अब 6 क्विंटल उत्पादन निकलता था तो मैं कम से कम, मेरा 20-25 लोगों को मैं गेहूं देता था, हाँ हाँ अब इस बार उत्पादन कम रह गया तो कम से कम मेरे 10 कस्टमर वंचित रह गए माल से, तो बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा तो वो नुकसान है। वो ग्राहक टूट गया आपके अगले साल के लिए। हाँ बिल्कुल है ही साहब। नहीं वो देखो, वो व्यक्ति देखो, आदमी ढूंढता है कि भाई प्योरिटी चीज कहाँ से मिलेगी, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो पैसे देने को भी तैयार है फिर भी अपने पास माल नहीं है, तो इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। तो हाँ सही बात है साहब। भाई अपन ने उनकी पूर्ति के लिए ही तो अपन ने 2 लाख रुपए खर्च किए, तो हाँ हाँ ठीक बात है। यार अपन सबकी पूर्ति कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो और ज्यादा लोगों को माल मिलेगा। तो वो सब प्रोग्राम ही फेल हो गया मेरा, प्रोडक्शन लोगों से हाँ कर रखी थी, उनको माल नहीं दिया तो उनकी दो ऊंचे नीचे शब्द भी अपन को सुने, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल खरी खोटी भी सुनाई हमको कि जी जी भाई आपने कमिटमेंट किया था हम आपको गेहूं देंगे, जी जी अब आप हमको भरोसे पर रख दिया, हम कहाँ से लाए अब, हाँ हाँ तो ऐसे सारे सिस्टम बेकार हो गया। तो कुल मिला के रिजल्ट, अब आप भी तो हमारे TCBT के प्रदेश अध्यक्ष हो। हाँ मैंने भी साहब है वे, जब इनसे जुड़ा तब से काम कर रहा था, समझ रहा था, कर रहा था, समझ रहा था, लेकिन धीरे 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 किसानों के जो रुझान आ रहे थे, किसान भाइयों के, वो तो आ रहे थे इनके खिलाफ एकदम। अच्छा और ये झंडा उठा रखा था इन्होंने इतना ऊंचा कि कोई खिलाफ वाली बात तो ये सुनते ही नहीं थे, कि हमारा भी प्रोडक्ट से कोई उत्पादन नहीं हो या ऐसी कोई बात हो सकती है क्या, वो ये सुनते नहीं थे। तो पूरा साल भर में तो ये समझो इनके पीछे ही पड़ा रहा जी, अब भाई रुको, यहाँ पे गलती मत करो, यहाँ मत करो, यहाँ मत करो, लेकिन ये तो गलती क्या मतलब है, ये समझो कि कहीं आपने तो इनको व्यापारी तो बताया है ना कम से कम है। हाँ मैं तो श्रीमान जी नागर साहब इनको व्यापारी भी नहीं कहूंगा।
हाँ भाई साहब सही बात है कि कम से कम जो आज रासायनिक वाले रासायनिक बेच रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल रिजल्ट आ रहा है। भले ही वो तो जहर है हाँ, लेकिन आपको पैदावार उत्पादन तो दे रहा है ना। दुकान वाला जो सामान देता है ये बोल के देता है कि इससे ये होगा तो उतना होता ही है उससे अब उनके। न्यो तो हम उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं जाके, कहिए बता चल खेत पे कैसे हाँ बिल्कुल पकड़ लेते हैं, नहीं हुआ बता, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि हम उसके पैसे भी रोक लेते हैं किसी चीज का रिजल्ट नहीं आया तो। अब यहाँ तो पहले तो पैसा जाएगा और माल बाद में आएगा, माल बाद में आएगा तो किसको पकड़े हैं। नहीं साहब पकड़ेंगे, ये भी कहाँ जाएंगे। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, अपना जब नुकसान हुआ है तो किसी न किसी तरीके से अपन इनसे वसूल तो करेंगे, छोड़ थोड़ी देंगे। अब मैं तो आपको एक पकड़ूंगा, आप ही हो टीसी बीटी के प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल साहब, पकड़ोगे तो हम साथ हैं आपके, कहीं दूर थोड़ी जाएंगे आपसे, और ना? बिल्कुल आपके साथ हैं भाई साहब, पूरी तरह से साथ हैं, और निश्चित रूप से ही कोशिश करेंगे कि जो आपका नुकसान हुआ है उसकी ये भरपाई करवाएं अपनी, ये मेरी पूरा देखो अब प्रयास रहेगा। गुरुजी ने उस दिन फोन किया था मेरे को, जो बोल रहे थे कि भैया आपके 8 एकड़ में से 7 एकड़ में आप आपके तरीके से करना, 1 एकड़ मुझे देना। अच्छा तो मैंने बोल दिया गुरुजी को, भाई आप आना यहाँ हाँ मेरे खेत पे, हाँ जी और 1 एकड़ क्या, आप तो 2 एकड़ 3 एकड़ जितनी आप चाहो उतनी पकड़ो, हाँ। या खैर अभी क्या भी पकड़ो। वो तो बातें गई भाई साहब, गुरुजी का तो क्या है, कहने की बातें हैं। गुरुजी ने 5-7 जगह खेती करने की कोशिश करी थी पहले अपने एमपी में ही, अच्छा, अलग अलग लोकेशन पे जमीन किराए की लेके या आप जैसे प्रीमियम से जमीन लेके। हाँ मैं तो किराया भी नहीं मांग रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई ये जमीन हाँ जी है, जमीन का कोई किराया नहीं है, बीज भी मैं ही दूंगा, हाँ, तो वो 5-7 जगह बीज जहां भी खेती करी ना भाई साहब। भाई बीज भी मैं दूंगा, ट्रैक्टर से सीडलिंग भी मैं ही करा दूंगा, सही है। लेकिन इसमें पोषक तत्व जो भी डालने हैं आपको बाप ला के डालो, डलवाने की व्यवस्था भी मैं करा दूंगा, मेरा आदमी डाल देगा, सही है, लेकिन लाना तो आपको ही पड़ेगा ना, जो भी इसमें आदान डलेगा कृषि का। बिल्कुल। तो वो जहां भी इन्होंने 5-7 साल काम किया ना भाई साहब खेती में खुद के हाथ से, वहां अब पता चला है धीरे धीरे भाई, आदमी किसी के पास आप साथ बैठते हो तो मिलने जुलने वाले से दूसरे लोगों से आपके पास धीरे धीरे खबरें आती हैं ऐसी वाली। हाँ, तो इनकी जो खबरें आ रही हैं वो इस तरह की आ रही हैं कि इन्होंने कहीं कोई मतलब सफलता जैसी कोई चीज इनके हाथ नहीं लगी 5-7 साल दुख पाके, और ये नाकाम कोशिश करके फिर इन्होंने गिरोह बनाया था ठगी करने का। अब मेरे से यूँ कह रहे थे कि भाई इस साल 1,000 किसानों की वो आएगी सफल स्टोरी, पिछले साल है। नहीं अभी उस दिन फोन पे बात हुई ना मेरी 8-10 दिन पहले, तो अच्छा, इस सीजन में मतलब रबी के सीजन में। हाँ अच्छा, 1,000 किसानों की सफल स्टोरी आएगी, तो उनको आपने ये कहना था ना भाई मेरी एक असफल स्टोरी का महत्व तो नहीं है क्या आपके लिए क्या भाई, आपकी तो असफल स्टोरी हो गई ना, आप तो असफल किसान हो गए ना टीसीबीटी के। मेरी तो टीसीबीटी की असफल स्टोरी हो गई। हाँ, तो आपकी स्टोरी महत्वपूर्ण नहीं है क्या इनके लिए, मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया क्या भाई, पहले हम आपके खेत की जमीन जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर करेंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। अब देखो क्या संतुष्ट करेंगे क्या मेरी लगता है तो, आपको, उम्मीद लगती है करेंगे कुछ। अब यदि उन्होंने बोला है और वो जब उनको पूरे लोग किसान गुरुजी बोलते हैं तो गुरुजी को अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, अपने शब्दों पे कायम रहना चाहिए, और जो हाँ उनका भरोसा मतलब हमारे दिल में कम हुआ है हाँ जी उस भरोसे को कायम करें, वो आके यहाँ काम करें, सही बात है, वापस जागृत करें और भरोसे को। हाँ मेरे खेत पे अगर सफल खेती करके दिखाएं वो, सही बात है, हाँ तो हम गुरुजी का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे हैं कि भाई आपने जो किया है, आप जो कह रहे हो और जो कर रहे हो, तो आपकी कथनी में और करनी में अंतर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुजी का विरोध कतई नहीं कर रहे हम, उनकी बुराई का विरोध कर रहे हैं, हाँ भाई आपकी कार्यशैली जो है वो गलत है। वो गलत है जो आपने संगठन बनाने की बात कही, वो ऐसा कोई संगठन नहीं बनाया आपने, आपने किसानों का हित करने की बात कही, आप किसानों का नुकसान कर रहे हो। इसमें किसान की हित के साथ साथ वो प्रकृति का हित, जीव जंतु का हित की बात करते हैं, जीव मात्र की वो बोलते हैं ना कि जीव जीवो जीव जीवो ना से जीवनम, जीवनम। ये भाई साहब इन्होंने जो शब्द सुने हैं ना ये बस शब्द बोलने तक और बोर्ड पे लिखने तक की खेती है, बाद अच्छा में इनका प्रोग्राम शुरू होता है हर आदमी के कंधे पे हाथ रखेंगे ये, धीरे से साइड में ले जा करके उसका सामान टटोलेंगे, इसके पास क्या सामान है, फिर उसको अध्यक्ष वगैरह बनाएंगे, छोटा मोटा पद देंगे। आपको भी तो पद दिया था ना इन्होंने,
मेरे को बना रखा था संभाग अध्यक्ष। संभाग अध्यक्ष, कोटा संभाग अध्यक्ष। हाँ, तो वो पद के लाल। अब कोटा संभाग का अध्यक्ष तो मैं बन गया, लेकिन मैं खुद ही फेल हो गया, जो क्या प्रचार करूं। हाँ, बात तो सही है, यही मेरे साथ किसी हुआ। किसी किसान से, किस मुंह से जाके मैं कहूंगा भाई टीसीबीटी का काम करो आप? हाँ, नहीं नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, भाई, अपन किसी को बोलेंगे जब ही ना, जब अपन खुद उस स्टोरी को सक्सेस करके बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। हर किसान का यही था भाई साहब, जो देखो मैं बताऊं, 10-20 लोग हैं अभी जो इनका विरोध कर रहे हैं ना, वो 10-20 लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरे को माल नहीं बेचा, पहले खुद के खेत में डाला। भाई हम सफल हो जाएंगे तो हमारा पड़ोसी अपने आप ले लेगा, तुम चिंता मत करो। सही बात है। हाँ, और हम देने नहीं जाएंगे, पड़ोसी खुद आएगा हमारे पास, भाई तुम सफल कैसे हुए, क्या सामान डाला हमने, तो हम बता देंगे हमने ये टीसीबीटी का सोल का सामान डाला है। बल्कि मेरे साथ तो ये हुआ कि आसपास के जो किसान आए ना, वो 200 किसान जो यहाँ पर ट्रेनिंग में आए थे, हाँ जी, हाँ जी, वो लोग बाद में खेती देखने भी आए, तो अच्छा, मेरा मजाक और उड़ाया उन्होंने कि यार इससे तो भाई साहब आप जो पहले खेती कर रहे थे आपके खुद के तरीके से, तो वही बढ़िया थी। वही बढ़िया थी। ये आपने मतलब पैसा भी खर्च किया, इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी आपका रिजल्ट जीरो है, तो बिल्कुल, जबकि आपकी जो मैं खेती तो किसी से कुछ कहने लायक ही नहीं बचा, मुंह दिखाने लायक ही नहीं हूँ किसी को। सही बात है साहब, यही करते हैं ये व्यापारी के साथ में, जो इनको हाथ लग गया ना उसको कहीं का नहीं छोड़ते साहब ये। तो आपके यहाँ नहीं, की कहीं जबकि का नहीं पानी छोड़ेंगे तो भाई पानी ये पानी बहुत अच्छा है आपके यहाँ का, आपके यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। मैंने तो, मेरी तो सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट, पानी की रिपोर्ट, सब कुछ बिल्कुल एक एक मापदंड पे है। अजी बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ मापदंड से भी उत्तम है। मैंने देखा था उस पानी में, हाथ धो के देखे थे नहर वाले में, जो आपके पानी आ रहा है ना हाँ उसमें, भाई, उसमें जो इनका जीवाणु घोल बनाते हैं ना, वैसी प्यारी खुशबू आ रही थी उसमें। मेरे क्या है, चंबल सिंचाई परियोजना का तो पानी आता ही आता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ साथ मेरा ट्यूबवेल का पानी भी इतनी शानदार क्वालिटी का है, उसका टीडीएस वगैरह सब इतना शानदार है, हाँ, और जमीन का पीएच वगैरह बिल्कुल सब कंप्लीट है जो होना चाहिए ना। क्योंकि मेरे को क्या है कि यहाँ अपने 12 जिले से राजस्थान में जो किसानों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, तो उसके लिए मेरी यहाँ पर, इन्होंने यहाँ के जिला के कृषि अधिकारी मेरे खेत का निरीक्षण करने आए थे, जी तो उन्होंने मेरे सोयल की टेस्ट की रिपोर्ट, पानी की रिपोर्ट और सारी, यहाँ आके वो पूरा, पूरी टीम आई थी, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया था और फिर मेरा नाम उन्होंने राज्य स्तरीय सम्मान के लिए भेजा था। जी तो उन्होंने मेरे खेत की जो गेहूं था हाँ जी, हाँ जी, उस गेहूं का सैंपल भी कराया एनबीएससी बॉम्बे लैब से, तो हाँ जी, मेरा गेहूं भी मतलब 206 केमिकलों की जांच हुई थी मेरे गेहूं की। अच्छा साहब, हाँ, तो 206 केमिकल मेरे नील पाए गए थे इस खेत के, वो अच्छा, उसमें बिना टीसीबीटी के। हाँ, टीसीबीटी तो इस साल क्या, मैंने पिछले साल की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास रिपोर्ट रखी है। तो हाँ जी, मेरा खेत 100% जैविक हो चुका, मतलब इसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी मेरा परिणाम सुनने क्यों है? चलिए साहब, इस विषय में पूछेंगे, अब हम पूछेंगे बेल जी से, भारत के किसान पूछेंगे इस बात का सवाल आप। हम तो आपसे पूछेंगे, आप हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हो बिल्कुल साहब, भाई, गुरुजी को क्या जाने, हम तो आपके वजह से जुड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उस जितना पहले दिन आपके लिए सर झुका गया, आपके लिए सम्मान था, वही आज है भाई साहब, और वही जीवन पर्यंत रहेगा, और आपकी एक आवाज पे तैयार खड़े मिलेंगे। हाँ अच्छी बात है भाई साहब। बिल्कुल, सदैव तैयार खड़े मिलेंगे। अब इन्होंने जो अपने साथ किया है, इसके लिए इनके लिए अलग से कुछ करेंगे, कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ, भाई ठगी की तो कोई लिमिट होती है ना भाई साहब। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इन्होंने जो बदमाश, और मैं तो यही कहूंगा आपसे कि जितने भी टीसीबीटी के लोग हैं या जो भी जैविक खेती कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो कोई भी बाजार के प्रोडक्ट पे या किसी भी जो अपना मतलब जैविक खेती की ट्रेनिंग के नाम पर अपना जो प्रोडक्ट बेच रहा है, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे लोगों से सावधान रहें। हाँ, ऐसे एक भी प्रोडक्ट इनका मतलब है, आपके नजर में इनका कोई प्रोडक्ट है क्या जो सफल है, या कोई फॉर्मूला है जो सफल है? भाई इनका जितने भी सोल के प्रोजेक्ट है, सब प्रोडक्ट है, सब बेकार हैं। सब बेकार हैं, ठीक बात है। और अब जो इनके कोई जो फॉर्मूले का किसी चीज का कोई रिजल्ट आया आपके प्रार्थना का, या और कोई बात का? नहीं भाई साहब, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। अब ये तो क्या है कि सब अपने अपने नाम की दुकान चलाते हैं, सही बात है,
जैसे वो वेद राजेश कपूर जी वो बनाते हैं एंजाइम, हाँ जी उसको ये जैव रसायन बोल देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुभाष के पालेकर जी जीवामृत बोलते हैं, उसको सजीव जल बोलते हैं। हाँ तो सबने अपने अपनी दुकान के लेवल अलग अलग बना रखे हैं। हाँ बात तो सही है आपकी। अब देखो जीवामृत गण, जीवामृत जैव रसायन एंजाइम, ये तो प्रकृति की चीजें, इनको अपन खेत में डालेंगे तो इनके तो रिजल्ट आने ही आने। हाँ, आने हैं सजीव जल पंचगव्य, ये तो पुरानी आयुर्वेद की चीजें हैं। इसमें इनका क्या है नहीं ये तो आयुर्वेद के फॉर्मूले हैं साहब, भाई, इसमें तो किसी का कुछ भी नहीं है। तो प्राचीन अपने ऋषि मुनियों का ज्ञान है बिल्कुल ऋषि मुनियों का ज्ञान और है। अपने प्राचीन बुजुर्गों का ज्ञान है हाँ बिल्कुल, उनका शोध किया भाई। हुआ, अपने पूर्वजों का शोध किया हुआ ज्ञान है जी। अपने हमारे बुजुर्गों ने जो खेती करी, गाय आधारित, गोबर आधारित, हाँ जी, उससे ही वो सफल थे। उस टाइम पे कौन सा बाजार था फिर? नहीं उस टाइम बाजार नहीं था साहब। तो ये तो सब फार्मूले अपने ऋषि मुनि दे गए, अपने पूर्वज दे गए, अपने ग्रंथों में लिख गए। हाँ बिल्कुल साहब अभी इनको अपने अपने नाम की छाप लगा के, अब मेरी दुकान का प्रोडक्ट है ये। तो हाँ जी ऐसे किसानों से मैं तो यही कहूंगा कि किसान मतलब किसी भी गुरुजी नहीं है, बहुत सारे गुरुजी हैं दुनिया में, हाँ ऐसे सभी खेती के गुरुओं से सावधान हो, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि क्या है, सच्चे लोग कम है हाँ जी और व्यापारी लोग ज्यादा है। हाँ सही बात है। व्यापारी भी नहीं है भाई साहब ये, इनको व्यापारी तो आप कहो ही मत है। अरे भाई साहब, जब दुकानदारी कर रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, तो व्यापारी कहलाएंगे ना आज के नहीं जमाने में नहीं तो। नहीं नहीं आगे नहीं मैं बताऊं इसलिए नहीं कहो कि अगर इनके सामान इनके प्रोडक्ट में दम हो ना तो अपन इनको व्यापारी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपनी रुपए चीज है, हम तो 100 रुपए में बेचेंगे, ये तो मैं 1 के 10 ले लो यार, तुम्हारे 1 के 10 लेने के बाद तो तुम्हारे प्रोडक्ट में दम होना चाहिए ना, हाँ तब तो हम इनको व्यापारी मान लेंगे। अभी ये प्रोडक्ट तो दे के नाम पे तो देते हैं मिट्टी। अब मैं आपको बताऊं मेरे मन की बात। हाँ जी हाँ जी मैं 100 एकड़ का किसान हूँ भाई साहब। अच्छा हाँ, जी तो मेरे मन में आया था कि ये यदि ये पद्धति सफल हो गई हाँ जी हाँ जी तो मैं गुरुजी के साथ, जैसे कहते हैं ना गुरुजी भाई, देश में क्रांति आने वाली है, हाँ जी हाँ जी तो मुझे भी अच्छा लगा कि यार मैं भी इस क्रांति का हिस्सा बनूं हाँ बिल्कुल और 100 एकड़ जमीन को मैं TCBT से ही करूं हाँ और प्रकृति की भी रक्षा करूं, धरती माँ की रक्षा करूं और जीव जंतुओं की रक्षा करूं। बिल्कुल साहब अब मैं इनका कौन सा प्रोडक्ट लेने वाला हूं, अब जब मैं फेल फेल हो गया पहली बार में ही। तो बिल्कुल यदि अच्छा प्रोडक्ट होता तो मैं तो 100 एकड़ में लागू करने के मूड में था। हाँ बिल्कुल बता ही रहे थे आप, बोले ये 100 एकड़ खेती करेंगे अपन अगले साल, ये गेहूं का उत्पादन सही आ गया तो हाँ यही कहा था आपने। हाँ भाई, मैं तो पूरी 100 एकड़ को कन्वर्ट कर देता बिल्कुल TCBT हाँ हाँ में, लेकिन अब तो सब काम बेकार ही हो गया ना, कौन भरोसा करेगा। इसलिए तो व्यापारी नहीं है ना, व्यापारी होते तो आपको 100 एकड़ में कन्वर्ट करते ना। और मैं तो फिर भी चैलेंज देता हूँ भाई, मेरी ये जो 8 एकड़ का फार्म है जहाँ आपने 200 किसानों को ट्रेनिंग दी है, हाँ जी इस 8 एकड़ को सफल करके बताए ताराचंद बैल जी, मेरा खुला चैलेंज है आज उनको दे रहा हूँ आपके माध्यम से, आपको भी दे रहा हूँ ठीक बात है साहब, तो इसमें भैया। ऐसा और करेंगे फिर, हाँ अगर गुरुजी आते हैं ना हाँ तो साहब आधी गुरुजी को दो और आधी मेरे को भी दो आप। हाँ तो ले लो, आप हाँ 4 एकड़ आप ले लो, 4 एकड़ गुरुजी ले लें, बिल्कुल, और और आपका जो दावा है ना उसको सफल करके बताओ यहाँ मेरे खेत पे आप। हाँ जी हम करके बताएंगे साहब, गोबर गोमूत्र से आपकी खेती करके बताएंगे। भाई गुरुजी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, बिल्कुल तो बिल्कुल दोनों ही बड़ी चीज हो आप TCBT के। नहीं TCBT के तो नहीं है, तो TCBT को हाँ एक्चुअली इन्होंने कर दिया साहब, नहीं तो देखो हमने तो दिल में बसाया था इसको TCBT को, लेकिन अब ये TCBT नहीं रहा, ये ताराचंद बैल जी ठग हो गए। हाँ अच्छा ये TCBT टेक्निक नहीं रहा, ये TCBT टेक्निक इन्होंने गलत लिखा है, ताराचंद बैल जी ठग है ये अच्छा तो। तो टी टी पहला शब्द टी। हाँ पहला शब्द ठग, हाँ पहला शब्द ठग ले लो चाहे आखिरी ठग ले लो, पहले शब्द में ठग हो गया तो फिर वो तो आप बाद में बचाए क्या बचा। हाँ बस वही है, इस कथनी और करनी में फर्क है जी, कुल मूल बात वो है, आपने जो बताया वो कर जो कहते हैं उस पे वो नहीं करते ना ये, और फिर भी हम तो ये कहते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, ठीक बात है साहब या तो हमारी गलती रही या आपकी गलती रही। हाँ अब आप, मैं भी आपके साथ हूँ, आप भी आ जाओ, गुरुजी भी आ जाएं और अपनी गलती को और भूल को सुधारें, हाँ बिल्कुल उचित है और जो अपन प्रकृति के लिए जो परमार्थ का काम कर रहे हैं, हाँ जी तो कृषि एक तरह से देव पूजा होती है, बिल्कुल बिल्कुल ईश्वरीय कार्य है। हाँ ईश्वरीय कार्य है बिल्कुल
भाई कृषि मामूली चीज नहीं, इसलिए तो नहीं बोलते हैं ना कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। बिल्कुल, इसलिए बोलते हैं साहब। हाँ, हाँ तो अपन ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं और गुरुजी भी ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, आप भी ईश्वरीय कार्य कर रहे हो। सही है। हाँ तो यदि आपके ईश्वरीय कार्य में कोई बाधा आ गई हो, कहीं जी, कहीं कोई कमी रह गई हो, हाँ जी तो उस ईश्वरीय कार्य को पुनः जी, अपनी भूल मानते हुए सुधारें, हाँ उचित बात है। हाँ और मैं अवसर दूंगा जी, और सारे किसानों को दोबारा इकट्ठा करूंगा कि हाँ हाँ भाई ये दोबारा से जो भूल हुई है उसका सुधार हो रहा है, अब देखो आप इसके रिजल्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, हाँ वही होना चाहिए, हाँ वही होना चाहिए। लेकिन ये तो हाँ इन्होंने किसी के साथ किया ही नहीं ना, ये तो एक और, अब आपके साथ तो एक और हो गया भाई साहब, ये बोलने लायक इसलिए नहीं बचे, ये बाकी लोगों को तो ये कहते हैं तुमने गलती कर दी होगी कहीं ना कहीं। अब हाँ आप इनकी 5 दिन की ट्रेनिंग ले चुके ना, तो हाँ इसलिए ये आपको ये शब्द भी नहीं बोलेंगे कि आपने कहीं गलती कर दी होगी। तो यहाँ तो ये बात पूरी तरह साबित होती है आप वाले में तो, कि इनके प्रोडक्ट ही फेल हैं, जो बाकी किसान कह रहे हैं ना खुला ढोल बजा बजा के कि हाँ भाई साहब इनके प्रोडक्ट पूरी तरह असफल हैं, कोरी मिट्टी बेचते हैं ये डिब्बे में पैक कर करके। हाँ तो प्रोडक्ट तो मैंने आपको बता दिया ना भाई, मैंने गोवर्धन खनिज खाद लिया, मई राजा लिया, सूरपाल लिया, जी नैनो नत्रजन लिया, ओकेपी लिया, जी उधर से क्या कहते हैं जो वो कैप्सूल कल्चर लिया, जामन लिया, सब कुछ लिया, क्या क्या छोड़ा बाकी। इन्होंने बताया कि वो एक फार्मूला है साहब वो फसल गुट्टी का, हाँ जी, तो फसल गुट्टी भी बनाई हमने, उसमें नमक डाला, खली डाली, चूना डाला, जी वो तो मुझे तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं मिला फसल हाँ, गुट्टी का भी। नहीं फसल को ठीक है, और गोवर्धन खनिज खाद के तो इनके नेगेटिव रिजल्ट आने लग गए हैं अब। अच्छा हाँ जी, इनमें इनमें ये समुद्री नमक डलवाते हैं। नमक डलाते हैं, हाँ गोवर्धन खनिज खाद में तो नमक ही है ना, ये समुद्री नमक डालते हैं, तो समुद्री नमक से तो जमीन खराब होगी होगी आपकी, आज नहीं 6 महीने बाद हो जाएगी। तो बिल्कुल। तो ये तो अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब मैंने तो गेहूं की फसल के बाद, जैसे मेरी गेहूं की फसल फेल हुई, तो मैंने तो सब टीसी बूटी को पैक करके एक साइड में रख दिया, वो जी तो मैं वापस मेरे खुद के फार्मूले से खेती कर रहा हूँ, जी तो और अब मेरे आप फार्मूले अपने, आप अपने फार्मूले से, आप जैसे कोई किसान भाई हैं, कोई और खेती करना चाहता है व्यापारी, तो उस व्यापारी को आप क्या सजेस्ट करोगे, एक तो कि भाई किस तरह से आदमी सफल हो सकता है, क्या आप उपयोग करे और कैसे खेती करे, ताकि वो सफल भी हो, उसके खर्चे भी कम हो, असुविधा भी कम से कम हो, और उसकी बदनामी भी नहीं हो, मतलब इज्जत भी नहीं जाए उसकी। मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई साहब कि अपन ने धरती में बीज डाला है, तो अपन धरती से बीज लेने के अधिकारी हैं, सही बात है। बाकी का जो फसल वेस्ट है हाँ जी, हाँ जी, उसको किसान जलाए नहीं, हाँ जी, वो बहुत बेहद कीमती अमूल्य चीज, उसका कोई मोल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ और उसको वापस अपनी धरती में मिलाएं, जी उसको डिकम्पोज करें, जी और जो अपने गौ माता पाली हुई है हाँ जी, हाँ जी तो गौ माता का जो गोबर है जी साहब, उस गोबर में अपन जैसे उसको 50-60 दिनों की जो प्रक्रिया है बनाने की खाद की, जी तो उसमें अपन जैसे 1 टन गोबर है तो जी 1 टन गोबर में मतलब अपन 2 किलो गुड़, हाँ जी, 2 लीटर छाछ, हाँ जी 200 लीटर के उसमें ड्रम में घोल के जी और 1 टन गोबर में डालें, तो 50-60 दिन में गोवर्धन खनिज खाद से 100 गुना पावरफुल खाद तैयार होता डीकम्पोज हो जाएगा वो खाद है, है। हाँ, और 60 दिन के अंदर बिल्कुल चाय पत्ती की तरह खाद हो जाता है, उसको कम से कम 1 टन प्रति एकड़ तो डाले ही सही अपने खेत में, और फसल हाँ वेस्ट को मिलाकर उसको अच्छा, डिकम्पोज करें। उसके साथ उसी गोबर के साथ भाई साहब फसल वेस्ट नीचे ऊपर डाला जाए तो वो भी आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा ना उस टाइम पे गोबर के साथ साथ है। बहुत आराम से, हाँ हाँ वो सरल होता है मेरे ख्याल से गोबर के साथ मिलाया हुआ। वो अच्छा तो डिकम्पोज की प्रक्रिया होगी तो वो भी क्यों बचेगा फसल वेस्ट। और फसल वेस्ट को तो मान लो अपन गोबर में भी नहीं मिलाएंगे ना, तो जी अच्छा आप तो उसको अकाई के साथ जमीन में मिला दो, अच्छा रोटावेटर से घुमा के उसको हाँ जी, पूरे खेत में फैला के रोटावेटर से मिला के, और हाँ जी, आपके पास यदि वेस्ट डिकम्पोजर है या हाँ हाँ गोकृपा अमृतम है जी, या कुछ भी नहीं है, हाँ जी, तो अपन तो जैसे अपने आसपास कहीं बड़े पीपल के नीचे की मिट्टी ला करके, हाँ जी, हाँ जी, और उसको 500 लीटर के ढोल में
मिट्टी को डाल दो और उसको उसमें गुड़ डाल दो हाँ जी जी और उसमें थोड़ा सा गोबर डाल दो। जी अब उसको किसान अपने पहले से तैयारी करके रखे हाँ जी और कम से कम 1 एकड़ में 500 लीटर चलाए उस गोबर को, तो अच्छा अच्छा पूरा फसल का जितना भी वेस्ट है ना उसको डिकम्पोज कर देता अच्छा वो, वो सारा बायोमास डिकम्पोज हो जाएगा। सारा बायोमास डिकम्पोज हो जाएगा और बहुत गजब का ह्यूमस बनेगा खेत में। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बताई है भाई साहब आपने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप। ये फ्री का काम है, किसान को कोई 1 रुपए की चीज नहीं लानी। हाँ और जी यदि वो किसान खुद किसान ही है तो अपने खेत में एक कोने में थोड़ा सा गन्ना लगा ले, गुड़ नहीं लाए तो गन्ने का रस बना के डाल दे, तो हाँ सही बात है, गुड़ भी लाने की जरूरत नहीं। गुड़ भी लाने की जरूरत नहीं। सही बात है। गन्ने के रस को किसी भी चरखी वाले से जाके रस निकलवा लाओ और हाँ उसको डाल दो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 10-20 रुपए लेगा वो, हाँ 1 रुपए जी गन्ने के हिसाब से आपका रस निकाल के दे देगा। ठीक बात है। तो आपको तो बाजार से कुछ लाना ही नहीं है, गोबर आपका, गोमूत्र आपका, गुड़ा गन्ना का रस आपका जी जी और फसल वेस्ट आपका, फिर जी जी बाजार से लाने की जरूरत क्या है। हाँ हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है साहब। बाकी तो ये जो अपने पौधे हैं इनके नीम की पत्ती है, आंकड़ा है, दतुरा है, ऐसी चीजों के वो 10 पर्णी अर्क बना ले, गोमूत्र हाँ जी में सड़ा ले और उसका स्प्रे करे, तो हाँ इल्ली वगैरह भी जो कीटों के प्रकोप है वो भी नहीं लगे। तो हाँ सही बात है, कुल यही है मिला के आत्मनिर्भर खेती तो वही है भाई साहब, ये यही है तो साहब। निर्भर निर्भरता वाली खेती है। तो पराधीन हो गए अपन, फिर भाई आजाद कहाँ हुए पहले। आजाद कहाँ। हाँ भाई अपन प्राकृतिक खेती जैविक खेती में आए तो इसीलिए तो आए ना कि भाई हम आजाद होना चाहते हैं। हाँ जी तो हम जैसे रसायन DAP यूरिया और पेस्टिसाइड फंजीसाइड बिडिसाइड हाँ जी इनसे मुक्ति के लिए तो हमने प्राकृतिक खेती करी। हाँ जी अब ये दूसरी कंपनी आ गई जैविक के नाम पे किसानों को ठगने वाली, नहीं साहब ये हमारा जैविक प्रोडक्ट है, ये सोल का है, ये किसी दूसरे ओल का है, हाँ जी हाँ तो इनके चक्कर में ना पड़े किसान जी और अपने प्राकृतिक चीजों के साथ ही प्राकृतिक खेती करें। मैं तो यही कहूंगा भाई साहब, अच्छा। और गुरुजी को कोई नसीहत देना चाहेंगे आप। गुरुजी से तो यही कहूंगा कि भाई जो मेरे साथ हुआ है वो अन्य के साथ ना करें। हाँ हाँ कम से कम और किसी के साथ तो नहीं करें। हाँ भाई, मैं तो फिर भी सक्षम आदमी हूँ, झेल गया, हाँ जी हाँ जी लेकिन मेरी जगह कोई गरीब आदमी होता तो उसका तो पिटारा निकल जाता ना भाई, बहुत बिल्कुल साहब बहुत बर्बाद हो गए। उसका उत्पादन में नुकसान, जी लागत में नुकसान, जी हर चीज में नुकसान हो गया उसको। तो बिल्कुल लागत ऐसा ज्यादा। ऐसा मैं तो गुरु जी से यही कहूंगा कि भाई आप एक अच्छे काम के लिए निकले हो तो कम से कम, और आपसे जो आपने कमिटमेंट किया है कि भाई मैं आके आपकी खेती देखूंगा और मैं मेरे हिसाब से करूंगा, हाँ जी तो आए और उनका मैं स्वागत करता हूँ यहाँ मेरे फार्म पे। हाँ हाँ जी और करके बताएं जो कहा है वो। बिल्कुल करें, हाँ और आपका जो नाम है उसको सार्थक करके बताएं। हाँ वापस कोई कहीं कोई आपके नाम में प्रॉब्लम आई है, कोई गलती हुई है तो उसको ठीक हाँ करके दिखाएं। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ अगर भाई आपसे एक गलती हुई है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो उसको ठीक है। हाँ कर सकते हैं, और अगर आप पर गलतियों के पिटारे ही हो। हाँ देखो हम मनुष्य हैं और गलतियां जी हमसे होती है जी और गलती सुधार का मौका मिलना चाहिए। जी जी तो हम तो गुरु जी से ये कहेंगे भाई आपके द्वारा आपकी ट्रेनिंग में, या तो आपके द्वारा जो ट्रेनिंग हमें दी गई उसमें गलती है, हाँ जी हाँ जी या हमने ट्रेनिंग सही नहीं ली हमारी गलती है, हाँ तो यहाँ अपन फार्म पे दोनों ही मिलेंगे ना। हाँ जी हाँ तो पता चलेगा कहाँ मिस्टेक हुई। हाँ तो मेरी गलती हो वो आप बताओ और हाँ आपकी गलती हो जिसको मैं बताऊं, हाँ जी हाँ जी और वापस अपन उस मिशन में, जिस मिशन के लिए आप पूरे देश भर में घूम घूम के प्रचार कर रहे हो, हाँ जी उस मिशन को देश ही नहीं विदेश तक पहुंचाएं। हाँ और भारत जो विश्व गुरु था कृषि हाँ जी का, हाँ जी वो वापस भारत विश्व गुरु की पदवी पर आए नहीं सर हमारे। इनके भरोसे इनके भरोसे तो आ गया। विश्व गुरु की पद्धति पे क्या आएगा, इनके भरोसे तो इनकी तो कहानी खत्म है। धीरे 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 इनके रुझान आ रहे हैं भाई साहब। अब भाई साहब कहानी कोई खत्म नहीं करेगा, इनकी कहानी खुद ही खत्म कर रहे हैं, खुद अपन ही थोड़ी कर कर रहे हाँ नहीं खुद ही कर रहे हैं तो दूसरा कौन करेगा, खुद ही कर रहे हैं साहब। बिल्कुल खुद ही हैं। खुद नहीं करी है। रुझान इनके इस तरह से आ रहे हैं कि इन्होंने जो शुरू में क्या किया भाई साहब, इन्होंने रा करके एक FPO बनाया था अच्छा, सोल से पहले, अपने मिलने से पहले। तो अच्छा ये क्या करते थे, उस FPO के शेयर बेचे इन्होंने, अच्छा वो जो कैप्सूल कल्चर दिया था उसमें रा ही लिखा हुआ है। राई लिखा हुआ है। तो पहले सारे प्रोडक्ट रा से बना रहे थे ये, अच्छा और राह के शेयर ये बोल के बेचे कि
भाई हम आपको वो करेंगे, एक एक शेयर करोड़ों रुपए का हो जाएगा, आप शेयर खरीद लो। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, वो वीडियो है बाकायदा, मैं आपको शेयर करूंगा। 1 करोड़ रुपए का एक शेयर हो जाएगा तो भाई साहब फिर खेती करने की जरूरत क्या है अपन को? फिर हाँ तो आप भी खरीद लो, थोड़े तो थोड़े शेयर खरीद लो गुरु जी से। हाँ गुरु जी के शेयर ही नहीं खरीद ले अपन। चलो बिल्कुल, यही तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपसे भी थोड़े शेयर खरीद लो। चलो, गुरु जी की खेती तो फेल हो गई तो अब शेयर में तो सफल कर दे हमको। हाँ शेयर में सफल, फिर बताऊँ आगे तो सुनो शेयर की कहानी। तो राह के उनको ये बोल के शेयर बेचे, भाई ये सारे प्रोडक्ट अपन राह में बना के और इनको आगे बढ़ाएंगे तो राह पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो आपने जो शेयर के में पैसे लगाए हैं वो बहुत पैसे बनेंगे। तो कई लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए, कई लोगों ने बहन की शादी के लिए, कई लोगों ने बड़े भाई की बच्ची की शादी के लिए, हर आदमी की प्लानिंग तो होती है ना। हाँ, वो तेरी देखो, सबकी अपनी अपनी आवश्यकता होते हैं घर गृहस्थी हाँ तो की। कोई आदमी सोचता है भाई मेरे पास 50,000 रुपए हैं, मुझे 5 वर्ष बाद चाहिएंगे बच्ची की शादी के लिए, तो क्यों नहीं मैं ये राय पीओ के शेयर खरीद लूं। तो अच्छा। ऐसे कई किसान भाई जिन्होंने बच्चियों की शादियों के लिए जो शेयर खरीदे, वो किसान भाइयों के शेयर का पैसा डूब गया। ऐसा ही करोड़, डूब गया हाँ जी करोड़ तो नहीं हुआ, वो जीरो जीरो जरूर हो गया। तो राह थोड़ी डूबी, राह तो चल रही है। अब राह, गुरु जी तो कह रहे हैं राह डूब गई, अब कहाँ चल रही है और कितनी डूब गई है तो गुरु जी बताएं साहब। भाई जो प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे आज वो टीसीबीटी के कैप्सूल कल्चर दे रहे हैं, तो राह का ही आता है उसमें तो लिखा हुआ। नहीं, वो तो सोल बना रही है अब तो। अच्छा, कैप्सूल कल्चर भी सोल पे आ गया। हाँ सारे सोल ही बना रही है अब, राह का कुछ नहीं रहा लेना देना अब राह का। तो गुरु जी ये कह रहे हैं, अभी मेरी बात हुई थी कल परसों, दो तीन लोगों का फोन आया था शेयर शेयर वालों का, अच्छा। तो वो कह रहे थे कि गुरुजी तो ये बोल रहे हैं कि साहब आपने जो शेयर खरीदे थे ना, उस पैसे का हम बीज लाए थे, तो अच्छा। बीज हमारा बिका नहीं, 3 साल से पड़ा है, इसलिए वो धान ले जाओ आप, और वो पैसा तो डूब गया, भूल जाओ उसको तो। अच्छा। हाँ जी ये कह रहे हैं, बाकी कोई ज्यादा दबाव दे रहा है तो उसको मूल पैसा जैसे तैसे करके कुछ कम बेसी करके वो वापस दे के पिंड छुड़ा रहे हैं। कुछ लोगों को दे भी दिया इन्होंने, जैसे किसी ने 1 लाख रुपए लगाया था, तो अब अगला देख रहा है यार 1 लाख डूबे नहीं, 50,000 मिले, 50,000 ही ठीक है। तो फिर इसी साथ जो फिर आगे सोल को ही बंद कर देंगे। अरे साहब 5-6 कंपनियां खोल रखी ना आगे। अच्छा, एक में पैसा लेते जाओ और उसको बंद करते जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे राय एपीओ के में शेयर बेच दिए, पैसा ले लिया, सोल में शिफ्ट हो गए, अब सोल के शेयर बेचना शुरू कर दिया इन्होंने, सोल से पैसा ले लेंगे तो सोल की 5 कंपनियां और खुली हुई हैं अभी, तो सोल को बंद कर देंगे, दूसरी 5 कंपनी में काम चालू हो जाएगा। उनमें काम चालू रह जाएगा। बढ़िया काम है, तो हाँ तो ये बढ़िया काम है, और डबल फायदा हो रहा है किसान को। हाँ बिल्कुल साहब, और हाँ किसान को डबल फायदा हो जाएगा, मालामाल हो जाएगा, किसान शेयर खरीदेगा वो। क्या, हाँ तो ये तो साहब अपने गुरुजी के हालचाल हैं। इनको ईश्वर के पास भी जाना होगा ना एक दिन तो। पता नहीं ईश्वर, नहीं ये तो स्वयं ईश्वर है ना भाई साहब, ये क्यों जाएंगे ईश्वर के पास। भाई ईश्वर को ये तो क्या ये जवाब कहते दे। हैं, मैं बताऊं, ये तो ये कहते हैं कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं ना, वो तो उद्योगपति हो जाता है। अच्छा, हाँ जी ये तो अपने आप को भगवान मानते हैं, ये क्यों जाएंगे ईश्वर के पास, ईश्वर ही इनके पास आएगा। अरे तो हम तो गुरु जी से यही कहते कि भाई हमारे ऊपर हाथ रख दो और हमको तो उद्योगपति ने हमको तो सफल किसान बना दो आप। हाँ तो सफल किसानों की तो इन्होंने मुहिम चला रखी है आजकल, अच्छा, हाँ, वो उस पे फेसबुक पे देखा था मैंने। फेसबुक पे सफल किसान बना रहे हैं आजकल। मैं टीसीबीटी सफल किसान। हाँ तो एक तो हमारे आदरणीय लेखराम जी हैं, उन्होंने पिछले साल 1 करोड़ का नींबू बेचा था, इस साल तो पता नहीं उनका नींबू कितना हुआ, अभी जानकारी है नहीं कितने करोड़ का बेच दिया उन्होंने। पिछले गुरु साल जी तो तो ज्यादा ही बेचा होगा ना इस साल तो, क्योंकि अगले 3 साल देखो, का वहाँ भी। भोपाल ट्रेनिंग में गुरु जी ने यूं कहा था कि भाई लेखराम जी को खड़ा करके सबके हाँ जी सामने कि हाँ जी हाँ जी भाई इन्होंने, इनकी शायद 20-22 एकड़ जमीन में इन्होंने 4 करोड़ का नींबू बेचा है। अच्छा 4 करोड़ का नींबू, हाँ जी हाँ जी 22 एकड़ 25 एकड़ जो भी इनकी जमीन है उसमें हाँ जी तो बैठा हुआ साहब। मैंने कहा क्योंकि हाँ भाई वहां वो लेखराम जी ने भी यस किया गया साहब, हाँ एक पेड़ में इतना निकला और इतने पेड़ थे, एक पेड़ में ये भाव से बेचा, मतलब वो बता रहे थे कि भाई 80 रुपए से लेकर के हाँ और 150-160 रुपए किलो तक उनका नींबू बिका है। अच्छा, हाँ अब ये तो भाव है साहब, अगर कभी मिल जाए आदमी को तो मिल जाता है, नहीं जी हाँ मिले तो नहीं मिले। सही बात है,
अब अच्छी बात है कि हमारा एक किसान भाई अगर 4 करोड़ के नींबू बेच रहा है तो इससे खुशी की क्या बात हो सकती हाँ है। नहीं, लेकिन इस साल भी बताना चाहिए ना उनको भाई, इतने पिछले साल हमने इतने करोड़ के बेचे, इस साल इतने करोड़ के बेचे, वो तो रेगुलर अपडेट तो करें किसान भाइयों को, क्योंकि कई लोग सवाल भैया पूछते हैं मेरे से लेखराम जी के लिए। तो अपने लिए गर्व का विषय है क्योंकि अपना एक किसान भाई, एक किसान साथी हाँ 4 करोड़ रुपए के नींबू बेच रहा है तो वो तो एक तरह से उद्योगपतियों की तरह उसका टर्नओवर है। हाँ वो गुरुजी ने उसके सर पे हाथ रख दिया ना, इसलिए फल फूल रहा है वो। आपके सर पे ढंग से हाथ रखा नहीं गुरुजी ने। अब हम तो देखो छोटे मोटे आदमी भाई साहब, वो तो क्या है कि 350 एकड़ वाले हैं, कहाँ हाँ 350 एकड़ और कहाँ 100 एकड़। हाँ ये बात भी सही है। तो 350 एकड़ जहाँ उनको कार्य करने का मौका ज्यादा मिल रहा है तो वहाँ ज्यादा काम करेंगे ना आदमी, हाँ वहीं ज्यादा करेंगे। और प्रचार भी उनका ज्यादा होगा क्योंकि बड़े किसान है, तो बड़े किसानों का मॉडल भी बड़े किसान के रूप में रखना पड़ेगा देश के सामने। सही बात है। अब छोटे मोटे किसान का क्या मॉडल रखना। मॉडल क्या भाई साहब, ये तो हवा बनाते हैं और लोगों को ठग के फिर गायब हो जाते हैं, फिर हवा बनाते हैं, फिर किसानों को ठगते हैं भाई साहब। अलग अलग जगह सेमिनार करते रहते हैं, मीटिंग टाइप की। चिटफंड कंपनियां नहीं होती क्या? तो इस बार लेखराम जी का नींबू का कोई अपडेट नहीं आ रहा, मतलब नहीं कोई सूचना ही नहीं है साहब। लेखराम जी से आप ही पूछ लेते भाई, अबे मेरा तो फोन ही नहीं उठाते हो आजकल। वो आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके फोन नहीं उठा रहे तो फिर हमारे छोटे मोटे को कौन फोन उठाएगा। हाँ तो अब देखो आजकल नहीं उठा रहे साहब, पता नहीं क्या बिजी वो हैं क्या आओ, है। आपकी कोटपुतली कौन सी दूर है 50 किलोमीटर दूर। हाँ नहीं है तो पास में ही, वो तो वही बता देंगे नींबू कितने का बिकार, वो तो खुद ही बताएंगे ही किसानों को। हो सकता है तैयार कर रहे हो रिपोर्ट वगैरह। घूमे आओ ना आप, एक दिन जाके देखे। नहीं मैं तो एक, मेरी तो प्लानिंग है उनकी 350 एकड़ की पूरी खेती देखूंगा, पूरा कैलकुलेशन समझूंगा और उनकी सफलता की कहानी समझनी है मुझे तो। बाकी किसानों के भी सवाल हैं तो मैं नहीं, तो निश्चित रूप से ही। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हाँ जी आप 350 एकड़ की पूरे बायोडाटा लो उनका, भाई हाँ जी कितने एकड़ में किस किस चीज की खेती करते हैं। हाँ जी अब अपने सामने तो नींबू का ही आता है पूरा मॉडल, हाँ और हम 10 अक्टूबर को उनके खेत पे गए थे तो हमने उनकी गोभी की फसल देखी थी, तो हाँ जी मेरे सामने दो चीज का मॉडल है उनका, नींबू का और गोभी का। वो केवल भाई साहब गोभी की फसल की वजह बताऊं क्या, उनके यहाँ गाय हैं और गोबर गैस से सलरी निकलती है, सलरी जहां पड़ेगी वहां उत्पादन आना ही है, कोई नहीं रोकने वाला उसको। तो वही तो बात है, वही तो मैं अभी आपसे निवेदन किया कि भाई किसान भाई इन प्रोडक्टों के चक्कर में ना पड़े, हाँ अपना खाद खुद बनाए, अपनी जी खेती खुद करें बिल्कुल यही है और साहब। स्वावलंबन वाली खेती करें, आजादी वाली खेती करें, गुलामी वाली खेती ना करें। हाँ बिल्कुल तभी बच सकता है भारत का किसान, नहीं तो ये आपको पता है भाई साहब, जब अपना देश आजाद हुआ तो भारत की GDP में 18% कृषि का योगदान था, हाँ जी हाँ जी और आज की तारीख में भारत की GDP में कृषि का योगदान 4% रह गया। तो बाकी का परसेंट का योगदान ये ले गए ना, ये ठग ले गए ना हाँ उस पैसे को, किसान की गाड़ी कमाई को इन ठगों ने लूट लिया। सही बात अब ये सफल किसान बता रहे हैं, आज आप सफल किसान की परिभाषा पे भाई साहब अपन एक बात करते हैं, समय तो काफी ले लिया आपका, 2 मिनट अच्छा और लूंगा। 5 मिनट लो, 2 मिनट हाँ क्या, हाँ सफल मैं तो किसान भाई साहब आप किसको मानोगे, आपकी सफल किसान की परिभाषा बताओ भाई साहब, आप किसको सफल किसान मानते हो? सफल किसान की परिभाषा यही है कि वो किसान को अपने खेत की जो भी चीज है हाँ जी उसी से अपन की खेती हो, हाँ जी बाजार से 1 रुपए की चीज ना लाए हाँ हाँ और उत्पादन पूरा ले, हाँ जी तब सफल किसान है। अच्छा उसका जीवन स्तर सुधरता हुआ दिखे, हाँ उसके पड़ोसियों को भी फायदा हो, उसको भी फायदा हो। भाई आज वो भी कम से कम उसकी, आज मान लो कि मैं 100 एकड़ की खेती करता हूँ, हाँ जी 100 एकड़ में से 8 एकड़ मैंने जैविक खेती प्रारंभ की है, प्राकृतिक खेती, हाँ जी तो बाकी 90 एकड़ में तो मैं लाखों रुपए दे रहा हूँ ना इनको, हाँ जी हाँ जी यूरिया के नाम पर, DAP के नाम पर, पेस्टिसाइड के नाम पर, फिर कह देंगे भाई साहब इसमें ये बीमारी लग गई, ये इल्ली लग गई, ये वायरस आ गया, ये पत्ता लपेट आ गया, हाँ जी ये डालो, हाँ तो अपना तो पूरा पैसा ही वो ले गए, हाँ जी अपने बात अपनी मेहनत ही नहीं बच रही, नहीं बच रही तो अपना पैसा पूरा एक तो वो बचे, हाँ जी अपनी मेहनत बचे, मेहनत बचे तो कम से कम मान लो कि मेरा जो
90 एकड़ का जो पैसा है, तो मैं 90 एकड़ में हूँ, मान लो 9 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए दिन को देता हूँ, तो मेरे 9-10 लाख रुपए तो बचे। 9-10 लाख रुपए बचेंगे तो कुछ न कुछ तो काम आएंगे मेरे, मेरी बिल्कुल समृद्धि में, आएंगे, बिल्कुल समृद्धि तो है मेन तो। तो तभी तो मैं सफल किसान होऊंगा ना हाँ सफल किसान की समृद्धि तो दिखती है। भाई। आज मेरा पैसा पूरा का पूरा बचे, हाँ जी पहले के जमाने में मैंने बचपन में देखा है भाई साहब, मेरी भी उम्र 55 साल है, अच्छा, और मैंने बचपन से देखा है कि हमारे मेरे पिता बड़े जमींदार थे गांव के, तो साहब बाजार से हमारे यहाँ कुछ आता नहीं था, बल्कि बाजार को हम देते ही देते थे, बिल्कुल बिल्कुल बाजार को हम दूध देते, बाजार को हम घी देते, बाजार को हम तेल देते, अनाज हाँ जी देते, दालें देते, चावल देते, बिल्कुल है। लेकिन हम बाजार से कभी कोई DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड थोड़ी खरीदते थे, सही बात है। बल्कि उस जमाने में तो डीजल भी नहीं लेते थे, हाँ जी हाँ जी बैलों से खेती होती थी। तो बैलों से खेती होती थी मेरे पिताजी थे सफल किसान, तो बिल्कुल। ये है सफल किसान की परिभाषा। भाई मेरे पिताजी थे सफल किसान, मैं तो असफल किसान हूं। हाँ बिल्कुल है, आप तो बाजार की तरफ हो ना अभी तक, जब तक असफल ही हो। जब तक किसान बाजार से 1 रुपए की भी चीज खरीदता है, वहां तक वो असफल है। सही बात है जिस दिन वो बाजार से 1 रुपए की चीज खरीदना बंद कर देगा, उस दिन वो सफल है। सही बात है साहब। मेरी निगाह में तो सफल किसान की परिभाषा ये है। नहीं नहीं बिल्कुल उचित है आपकी बात है। अच्छा मैं एक और भाई साहब आपके मोबाइल नंबर शेयर कर दूं इसे ऑडियो के माध्यम से, कोई आपसे बात करना चाहे तो। हाँ अच्छा, अपनी वार्ता को मतलब ये शेयर करेंगे हाँ अपनी जो वार्ता हो रही है इसको, सबसे पहले तो इसकी परमिशन लूंगा आपसे, आप? क्योंकि अच्छा भारत के और लोग भी इस वार्ता को सुने। बिल्कुल कर सकते हो भाई साहब, परमिशन है मेरी तरफ से। बस अच्छा, और दूसरा आपके मैं मोबाइल नंबर शेयर करूंगा, कोई भाई चाहे आपसे बात करना तो व्हाट्सएप वगैरह कर देगा, आपको फुर्सत मिले तो समय निकाल के आप जवाब देना किसी भाई को जैसे भी टाइम हाँ, मिले। हाँ तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94142 जी ठीक 57133। है साहब, मैं डिस्क्रिप्शन में और मेंशन कर दूंगा। हाँ जी, और आप महेश जी नागर 12 से हैं? 12 जिले, तहसील मांगरोल, गांव बमोरी कला। बिल्कुल साहब बिल्कुल, आपका खूब समय लिया साहब, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको असुविधा बिल्कुल, हुई इसके लिए भी, कोई आपके असुविधा नहीं क्षमा है भाई क्षमा साहब। प्रार्थी हम। नहीं, बिल्कुल, आपने जो बातें करी आज, मेरे से जो भी बातें पूछी, मुझे भी अच्छा लगा। हाँ नहीं ये तो जानना चाहता है ना साहब, देश देश का सवाल है ये तो, देश के किसान भी तो जानना चाहते हैं ना ये तो। देश के किसानों को जानना चाहिए, और देश हाँ अनुभव आपका, के किसान को बिल्कुल सफल किसान बने, ऐसी सभी किसानों को मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। तो जो भी चलो प्राकृतिक खेती करता है, जैविक खेती करता है, जी जी उनसे मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप बाजार से जिस दिन 1 रुपए का सामान नहीं खरीदेंगे, उस दिन सफल किसान हो जाएंगे। उस दिन आप सफल किसान हो जाएंगे। ठीक बहुत सही बात है साहब आपकी एकदम। है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, प्रणाम प्रणाम।